मेरा नाम अजय कुमार गिंद है, हमारी कश्मीर से मैं राम बगान मेन रूमी है। ग्राम सभा तारी न्याय संचालन और ब्लॉक लेवल पी एस क्या रखते हैं आपने जी? पुलिस स्टेशन सादियाबाद। सादियाबाद जनता के बीच में मैं एक ही उम्मीद लेके आया था जी। सबसे पहले नौजवानों से मैंने मिला और इनसे कहा कि हमारे गांव में बहुत पिछड़ा हुआ है, नाली खरंजा नावदान चक्रोत आदि की समस्याएं बहुत काफ़ी थी। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी कमी है जी। और खेल कूद का मैदान हमारे गांव में समझ में नहीं थी। हमारे नौजवान साथियों ने कहा था भाई कम से कम हम लोग के लिए दौड़ने के लिए खेलकूद करने मैदान तैयार करिए आप, और जितनी भी अवैध ज़मीन है वो खाली करवा करके और हमें आप लोग खेल कूद का मैदान बनाइए। अच्छा, आपकी जानकारी के अनुसार अवैध ज़मीनें कितनी होंगी लगभग बीघे में या जो भी आपको जानकारी हो? इसका आइडिया कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये 5 बीघा 4 धूर का रकबा बताया गया है परिसर का, जिसमें 1 बीघा से ऊपर जैसे स्कूल पंचायत भवन सार्वजनिक शौचालय बन चुका है। बाकी जितनी भी जमीन बैठी है उसमें जो भूतपूर्व प्रधान थे वो 2 बीघा से ऊपर कब्जा करके जोत बो रहे हैं और उसमें मकान भी बनवाए हैं अपने चचेरे भाइयों लोग से। और मैं आशा करूंगा कि भाई मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन भाई जो अवैध ज़मीन या कब्जा किए हैं मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो अपने नौजवान साथियों के लिए खाली कर सकते। अच्छा, कुछ ग्रामीणों की शिकायत है कि कोटेदार से कुछ दिक्कतें होती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शिकायत थी जो पहले ये सब चल रही थी, अनाज नहीं मिल रहा है, चूड़ा रहा है, ऐसा है, लेकिन इसका सुबह शिकायत सब समाधान हो चुका है। जब से अपना आया है, सत्ता आया है, तब तक सब समाधान लीजिए। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? धनबल मैं नौजवानों और यहाँ के बुजुर्गों पर दिल से बर्दाश्त किया, हालांकि हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं धन खर्च कर सकूँ। जितने भी अपने वोटर सपोर्टर थे, नौजवान साथी एकदम कदम से कदम मिलाकर चल दिए और जितनी भी सरकारी राशि धनराशि बताया गया था और सब जितनी भी पब्लिक हमारे ग्राम सभा के जितनी भी जनता थी, मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का, सब लोगों ने अपना धन बल सहयोग करके हमको बहुत बहुमत चुनाव दिलाया। अच्छा, बताया जा रहा है कि पौधरोपण का प्रधान जी आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है बिल्डिंग? अभी आंगनबाड़ी केंद्र जो पहले ग्राम सभा बमरूरी कलमेटा एक ही में था उसमें बहुत पुराना बना है धावा मोहब्बतपुर में, लेकिन जब से गांव कटा अभी आंगनबाड़ी केंद्र यहां पे नहीं बना है। पंचायत भवन है पुराना। और सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है। एक है कि दो है कि चार है? एक ही है। प्राथमिक स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, बालिकाओं के लिए राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। कौशल विकास की कोई योजना गांव में चलती है? नहीं चलती है। आनंदघर नंदघर नहीं, नंदघर भी नहीं है नहीं। अब आइए, कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं, युवा के मन में क्या चल रहा है वो लोग भी बताएंगे। मैं धर्मेंद्र पासवान ग्राम तारडी से। तारडी ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक देव में पड़ता है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप यहाँ के ग्रामीण हैं और इस समय हम लोग पंचायत भवन बिल्डिंग के पास मिल रहे हैं, और क्या दिक्कतें हैं आपकी ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में ज़्यादा दिक्कत खेल कूद की है, हमारे यहाँ के जो नौजवान। अच्छा, आप युवा हैं तो खेल कूद की दिक्कत है, क्या गलियाँ आपके चमाचम हैं? नहीं सर, हाँ गली भी नहीं है। जो हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी थे वो पहली बार में कुछ विकास किए, उसी विकास के रूप में दूसरे प्रधानी हासिल किए और दूसरी और तीसरी में कुछ नहीं किया। अच्छा, युवा होने के नाते आप कह रहे थे कि हमको खेल का मैदान या कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे? हाँ जी।
हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो सर उससे पढ़ाई लिखाई के साथ हर चीज़ की जरूरत होती है, खेलने की, कूदने की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, तो इसलिए हमारे यहाँ खेल कूद की ज़मीन बहुत कम है, इसलिए हमारे ग्राम सभा के बच्चे विकास भी नहीं कर पा रहे हैं और खेल कूद। अच्छा, वर्तमान प्रधान से क्या अपेक्षाएँ रहेंगी आपकी? सर वर्तमान प्रधान जी से यही अपेक्षा रहेगी कि जितना हो सके हमारे ग्राम सभा में विकास करें, कि हमारे पूर्व प्रधान जी ने 15 साल प्रधानी किए तो 20 साल ये करें और हमारे ग्राम सभा में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कन्या हाई स्कूल है क्या? नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम शैलेंद्र पासवान है, मैं ग्राम टाड़ी का निवासी हूँ। क्या मुख्य समस्या है युवाओं की यहाँ पर? सर समस्या तो बहुत है, जैसे यहाँ पे रोड नहीं है, रोड सही है लेकिन उसका मरम्मत नहीं हुआ है और नाली भी सही नहीं है। विकास के लिए पानी देख लीजिए, गांव में होकर तो पानी इकट्ठा हो जा रहा है, नाली का सुविधा नहीं है। अभी ये जो बोले हैं कि खेल कूद का मैदान, ये सबसे ज़रूरी है। सर खेलने कूदने का तो ज़मीन है जो बताएं 5 बीघा का, वो है लेकिन पर्याप्त समय में खेल कूद का मैदान नहीं है, जो है वो सब कब्जा किए हैं। हम लोग से यही रिक्वेस्ट है, हमारे प्रधान जी से भी यही रिक्वेस्ट है, प्रधान जी से हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि आप प्रधान जी जाएंगे तो ये सब सुविधाएँ बच्चों को मिलेंगी। आए हुए हैं और मुझे तो बड़ी शानदार दिखी, जरा बताइए आप इस गांव में के पुराने बासिंदा? हाँ, हम यहाँ के पुराने हैं, रहते हैं रामपुर बंदरा नंदगंज। तो वोट कहाँ देते हैं? वोट तो मैं उसी जगह देता हूँ। उसी जगह देते हैं? अच्छा, भतीजे का साथ देते हैं हमेशा ना? देते हैं, भतीजा प्रधान हो गया, साथ देंगे आप ना? हाँ, साथ देंगे और हर जगह में। आप तारडी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप गांव वालों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं गांव वालों, सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा को दिल के आनंद जा रहा है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि जो इन लोगों ने मिल करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और इस गांव का मैं ऋणी हूँ। मैं जितनी अपेक्षा उन लोगों ने हमारे साथ की है, मैं उनकी अपेक्षाओं को के ऊपर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा और मैं चाहूँगा जितना अधिक से अधिक मैं विकास कर सकूँ और दिखा सकूँ, ताकि आने वाले समय भी इन लोगों के साथ में खड़ा से कर्म कर प्रयास करूँ। यानी आप ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका गांव जो है विकास में पर्यटन स्थल जैसा हो? जी सर, कि लोग चाहेंगे कि एक बार चल के तारडी को देख लें। जी, ये सभी ग्राम प्रधान के सहयोगी हैं, प्रधान जी बीच में हैं, थोड़ा वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए मैदान कच्चा है, ये पूर्व प्रधान का करतूत है, वर्तमान प्रधान का करतूत नहीं है। क्यों आप लोग बताइए, पूर्व प्रधान का करतूत है ना? हाँ, आज कौन नाम बताइए? मैं धर्मेंद्र पासवान ताड़ी का निवासी हूँ सर। और एक समस्या कहने में भूल गया हूँ, जो हमारे ग्राम सभा में काली माता का प्रचलित मंदिर है और इस मंदिर का जो जमीन छूटा हुआ है सर, हम लोग आप लोग से आग्रह करेंगे, मीडिया वालों से आग्रह करेंगे कि वो जो जमीन कब्जा की गई है, जोत बोझा रही है, वो जमीन भी काली माता का निकल जाए। कौन उसको कब्जा किया है सर? जिसका खेत अगल बगल है, जैसे अच्छा रामाश्रय पासवान, राजेश पासवान, अजय पासवान सर, जो लोग कब्जा किए हैं, मैं सर नाम लेने पर तो दिक्कत होगा थोड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि वो जमीन निकल जाए तो अच्छा रहेगा। तारडी की सड़क